नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झांसी बदल रही है और स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद अब जो राष्ट्रमार्ग हैं या जो अन्य छोटे छोटे मार्ग हैं, शहर के प्रमुख मार्ग हैं, वह इतने खूबसूरत होते जा रहे हैं। हम आपको एक ऐसा मार्ग दिखा रहे हैं जहां आज से 15-20 साल पहले सुनसान इलाका हुआ करता था और यहाँ पर लोगों को आने में बड़ी परेशानी होती थी। एक तो वाहनों का साधन कम था, उस पर यहाँ पर बस्ती भी बहुत कम थी। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान जिस प्रकार से इस मार्ग का विकास हुआ है और यहाँ पर स्मार्ट सिटी के बाद अब जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सड़कें चौड़ी की गई हैं, उसके बाद यहाँ पर रौनक बिखरने लगी है। लोग शाम के समय यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं। यह मार्ग हम आपको बताते हैं क्या है। दरअसल यह BKD से जब आप ग्वालियर रोड की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको राजकीय इंटर कॉलेज नज़र आएगा और यहीं से पूरा हम आपको जो सफ़र लेकर चल रहे हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज से राजकीय इंटर कॉलेज और फिर महाकाल का सिद्धेश्वर स्थान। जी हाँ, हम आपको ऐसे ऐतिहासिक स्थानों को दिखाते हुए जो मार्ग है उस मार्ग पर कितना बदलाव हुआ है यह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद जो विकास के कार्य हुए हैं वह अब धरातल पर कहीं ना कहीं नज़र आने लगे हैं। और शाम के समय यदि आपका किसी भी जगह घूमने का मन होता है परिवार के साथ या अकेले में, तो आप इन स्थानों पर निकल सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज से करीब 15-20 साल पहले जब हम इन स्थानों पर आया करते थे तो यहाँ पर सुनसान हुआ करता था। रास्तों पर इतनी चहल पहल नहीं होती थी, न वाहनों का आवागमन था और न ही किसी प्रकार के व्यवसायिक ज़्यादा प्रतिष्ठान थे। अब यहाँ पर जब से सिद्धेश्वर मंदिर पर श्रद्धालुओं का आवागमन तेज हुआ है, इसके अलावा नए नए यहाँ पर प्रतिष्ठान खुले हैं, राजकीय इंटर कॉलेज की भी कायाकल्प हुई है, इसके बाद जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है उस चौड़ीकरण ने यहाँ के विकास के कई सारे रास्ते खोले हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि जो फुटपाथ बनाया गया है वह कितना खूबसूरत है, क्योंकि फुटपाथ पर कहीं भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा फुटपाथ पर जब आप चलेंगे तो शाम के समय जो टहलने का मज़ा आता है वह आपको आनंद देगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो आसपास के बुज़ुर्ग हैं और जो युवा हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर शाम के समय आते हैं, इसके अलावा कई सारे बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं। अब आप फुटपाथ के किनारे देखेंगे तो कई सारे छोटे छोटे स्टॉल खुल गए हैं, ठेले वाले हैं, जहाँ आप टहलते समय कुछ अगर खाने का मन होता है तो खा भी सकते हैं। चाट चकोली की दुकान है और ये जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं ये ठीक GIC के पीछे जो कॉलोनी बनी हुई है उस कॉलोनी के लिए जाता है और ये सीधा रास्ता यहाँ से जो टौरिया, नरसिंह राव टौरिया की तरफ जाता है। और आप धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर चंद कदमों के बाद झांसी का सबसे पुराना, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिसको राजकीय इंटर कॉलेज नज़र आएगा। जी हाँ, जिसे हम GIC कहते हैं वह नज़र आएगा। और आपको बता दें कि GIC में जल्द ही एक स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है, इसके लिए सांसद अनुराग शर्मा ने बीते दिनों पहल भी की थी। सांसद अनुराग शर्मा के अलावा महापौर रामपीर सिंगल, नगर विधायक रवि शर्मा भी उस समय मौजूद रहे थे और इसका विधिवत पूजन भी हुआ था। और हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि इस किस प्रकार से यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो फिलहाल आप इस मार्ग पर शाम के समय जब आप निकलें तो आप देखेंगे कि पिछले कई सालों में और आज के दौर में इसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। बहुत खूबसूरत हो गया। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सामने महाकाल महेश्वर का विशाल मंदिर, जिसे सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, सिद्धेश्वर मंदिर है। और यहाँ पर आचार्य हरिओम पाठक ने जिस प्रकार से धार्मिक आयोजनों का पिछले कई सालों में जो आयोजन किए हैं उसके चलते इस मंदिर में अब काफ़ी रौनक हो गई है। बल्कि यहाँ पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान तो नहीं है लेकिन व्यवहार के लिए एक उत्तम व्यवस्था आचार्य हरिओम पाठक के द्वारा की गई है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। और यह जो मंदिर है
काफ़ी पुराना है, सदियों पुराना मंदिर है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यदि आप इस क्षेत्र में कहीं घूमे होंगे तो आपने देखा होगा कि आप 30-40 साल पहले सिर्फ मंदिर की ही प्राचीर नज़र आती थी और कुछ नहीं। ये सामने GIC का मैदान है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर स्टेडियम बनने की तैयारी हो रही है। तो देख सकते हैं आप अंदर, यहाँ पर खुदाई वगैरह का काम चल रहा है, निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्दी ही यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम खोला जाना है जिसमें खेल कूद की तमाम प्रकार की क्रियाकल्प होंगे और बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो आपने जो BKD से ग्वालियर के मार्ग में आप पिछले कुछ सालों में जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव को देखा और उस बदलाव के साथ में अब आप वाकई में महसूस कर सकते हैं कि झांसी स्मार्ट सिटी होने के साथ काफ़ी विकसित हो गई है। फिलहाल आपको यह नज़ारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हम आपको जल्द ही यहाँ के आसपास के वातावरण, यहाँ के माहौल में किस प्रकार की नई नई चीज़ें हो रही हैं यह दिखाएंगे। आप देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।